हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिला सम्मान परीक्षा योजना जिला चित्तौड़गढ़ के लिए अद्वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की जो टाइम टेबल है उसकी यहाँ पर विस्तार से जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं फिर बता दूँ आपको कि ये केवल जो जिला चित्तौड़गढ़ है उस जिले के लिए है। इसके बाद देखिए, नागौर जिले के लिए यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे सभी जिलों के जो है टाइम टेबल आते जाएंगे, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जो है आपको ये टाइम टेबल बताते रहेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर आप कर लें। तो यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के लिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में ये इधर लिखा हुआ दिनांक एवं दिन। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में 8 दिसंबर 2022 गुरुवार को, देखिए अगर हम क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो देखिए क्लास ट्वेल्थ में, यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ की बात करेंगे तो देखिए क्लास ट्वेल्थ में किसका पेपर होगा, अंग्रेजी अनिवार्य का। और समय की बात करें तो समय देखिए 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक यहाँ पर ये समय रहेगा। और इसके बाद देखिए, अब इसके बाद 11th क्लास की अगर बात करें तो 11th क्लास में देखिए जो है अंग्रेजी अनिवार्य का जो है पेपर रहेगा, कब, 8 दिसंबर को। और इसमें देखिए समय कितना रहेगा, दिन में 12:45 बजे से, यानी कि 12:45 से लेकर शाम को 4 बजे तक। ये किसके लिए, 11th क्लास के लिए, यानी कि सेकंड पारी में। फर्स्ट पारी में किसका रहेगा, 10th और 12th का रहेगा, और सेकंड पारी में किसका रहेगा, 9th और 11th का। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे देखिए इसमें 10th के लिए, तो देखिए 8 दिसंबर को 10th में भी अंग्रेजी का पेपर होगा और इसका टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक। इसके बाद देखिए क्लास 9th का जो है 8 दिसंबर को अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होगा और ये 12:45 बजे से लेकर 4 बजे तक ये पेपर रहेगा। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं 9 तारीख की, यानी कि 9 दिसंबर को शुक्रवार को किसका, देखिए कक्षा 12 में तो हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा, और कक्षा 11th में जो बात करें तो इसमें भी हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। और इसके बाद देखिए क्लास 10th में बात करें तो इसमें भी हिंदी अनिवार्य का, और क्लास 9th में बात करें तो इसमें भी हिंदी अनिवार्य का। तो देखिए, ये जो टाइम फिक्स कर रखा है कि फर्स्ट पारी का और सेकेंड पारी का, ये हर पेपर में समय वही रहेगा, बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद 10 दिसंबर शनिवार को जो है यहाँ पर देखिए क्लास 12th में गृह विज्ञान का होगा, और द्वितीय सत्र में देखिए इसमें तो गृह विज्ञान का हो जाएगा, और द्वितीय सत्र कब, यहाँ पर देखिए 12:45 बजे से लेकर 4 बजे तक कक्षा 12 का चित्रकला और अंग्रेजी साहित्य का जो है पेपर होगा। यानी कि फर्स्ट पारी में तो इनका गृह विज्ञान का पेपर होगा और सेकंड पारी में चित्रकला और अंग्रेजी साहित्य का जो है पेपर होगा। ऐसे ही देखो 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में भी देखिए प्रथम सत्र में चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य और लोक प्रशासन का जो है पेपर होगा, और द्वितीय सत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान का जो है पेपर होगा, यानी कि होम साइंस का। इसके बाद देखिए, अगर 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पर देखिए 10th क्लास में संस्कृत या उर्दू, यानी कि जो थर्ड लैंग्वेज है उसका पेपर होगा, और क्लास 9th में भी संस्कृत और उर्दू का जो है पेपर होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं देखिए 10 को शनिवार है तो 11 का आपका अवकाश रहेगा। उसके बाद 12 दिसंबर सोमवार को कक्षा 12 में तो गणित और भूगोल का पेपर होगा। उसके बाद देखिए 11th क्लास में भी गणित और भूगोल का जो है पेपर होगा, और इसके बाद देखिए क्लास 10th में गणित का पेपर होगा और क्लास 9th में भी गणित का जो है पेपर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब 13 दिसंबर मंगलवार को कक्षा 12 में तो राजनीति विज्ञान का पेपर होगा, कक्षा 11th में भी जो है राजनीति विज्ञान का पेपर होगा, और देखिए कक्षा 10th में भी जो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यानी कि जो राजस्थान अध्ययन है उसका पेपर होगा। और इसके बाद 9th क्लास में भी यही राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, यानी कि राजस्थान अध्ययन जो इसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 दिसंबर को देखिए क्लास 12th में जो है लेखा शास्त्र, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, हिंदी साहित्य और राजस्थानी साहित्य इसका पेपर होगा। और 11th क्लास में जो है लेखा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, हिंदी साहित्य और राजनीति साहित्य का जो है पेपर होगा। इसके बाद देखिए क्लास 10th की अगर बात करें तो विज्ञान का पेपर होगा, और 9th की बात करें तो इसमें भी विज्ञान का पेपर होगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं 15 दिसंबर गुरुवार की, तो देखिए इसमें क्लास 12th में तो अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान का पेपर होगा, और क्लास 11th में भी अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान का जो है पेपर होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 10th की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी
की अवधारणा भाग सेकंड, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो होगा, और नाइन्थ में भी कंप्यूटर का ही पेपर होगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं 16 दिसंबर की। तो देखिए 16 दिसंबर में 12वीं में तो जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और इतिहास का जो है पेपर होगा। इसके बाद देखिए 11th में भी जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और इतिहास का जो है पेपर होगा। और 10th की बात करें तो 10th में जो है सामाजिक विज्ञान का होगा, और 9th में भी सामाजिक विज्ञान का होगा। इसके बाद देखिए हम इसके बाद 17 दिसंबर शनिवार को कक्षा 12 में देखिए व्यावसायिक अध्ययन, रसायन विज्ञान, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, कृषि रसायन और समाजशास्त्र, इसका पेपर होगा। और यही जो पेपर है वो 11th क्लास में होंगे, व्यावसायिक अध्ययन, रसायन विज्ञान, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य और कृषि विज्ञान और कृषि रसायन, ये 11th में होंगे। और इसके बाद देखिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये किस में होगा, 10th क्लास में होगा, और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये भी 9th क्लास में होगा। इसके बाद देखिए 19 दिसंबर सोमवार को, इसमें देखिए आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग सेकंड, ये कक्षा 12th में पेपर होगा। इसके बाद देखिए आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट, ये कक्षा 10th में जो है पेपर होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ जिले के लिए जो अद्वार्षिक परीक्षा है, सत्र कौन सा है, 22-23, यानी कि इस सत्र जो एग्ज़ाम होगा ये चित्तौड़गढ़ जिले के लिए है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के लिए हमने इस पर डिस्कस कर लिया है, क्लास 9 से लेकर 12th तक। अब बात करें 6 से 8वीं या 1 से 5 तक, तो उनके जो टाइम टेबल है वो विद्यालय स्तर पर ही बना लिए जाते हैं, और ये जो पेपर है ये जिला स्तर पर बनाया जाता है, यानी कि ये जो टाइम टेबल है ये जिला स्तर पर है, मतलब पूरे ज़िले में, यानी जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है उस पूरे ज़िले में यही टाइम टेबल जो है फॉलो किया जाएगा रेगुलर और प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उनमें सब में यही टाइम रहेगा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है टाइम टेबल को लेकर चित्तौड़गढ़ ज़िले के लिए। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।